इनको संख्या के हिसाब से देखिए, अब सेल के अंदर में तुम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ा है उन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे दो चार पॉइंट पहले इनको खत्म कर दूं। उसके बाद क्या है कि सेल की संख्या है ना, संख्या कोई ऐसा भी पता लगा लिया गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब मैं पूछूं कि स्वप्निल तुम्हारे बॉडी के अंदर कितने सेल हैं, तो तुम क्या बताओगे? बहुत है। नहीं, इन्फिनाइट का मतलब होता है असंख्य, जिसको गिना ना जा सके, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बॉडी के अंदर कितने सेल्स होंगे लगभग में ये भी बता दिया गया है, लगभग में बताया गया है ना, तो कितने सेल्स होंगे तुम्हारे बॉडी के अंदर? तो स्वप्निल कभी एक दिन बैठ के गिन दो, गिन के आना कल बताना। तो आपकी बॉडी, तुम्हारे लफिंग बॉय कितने सेल्स हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर, आज गिनना, होमवर्क तुम्हारे यही है। तो बहुत सारे सेल से बने हुए हम लोग हैं, ठीक है। तो ये तो बात जाहिर है कि एक सेल से तो नहीं बने हो, एक से ज़्यादा सेल से बने हो, यानी कि तुम लोग क्या हो, मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? वंशिका, क्या तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से देख सकती हो? नहीं देख सकती हो। तुमने कभी देखा है किसी को, किसी एक भी यूनिसेलुलर को जानते हो? जानते हो क्या? एक मिनट देखते हैं। पुनीत, एक यूनिसेलुलर बताओ जो कि एक सेल का बना हुआ है, आपने देखा है क्या कहीं जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ हो? तुमको पता नहीं है ना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तुम्हारे पास। ओके ईशांत, अमीबा, तुम भी यही बताने वाले थे, ये तुम्हारा आंसर इसने बता दिया है ना, यही बात तुम्हारा सुन के बता दिया। और तुम दूसरा बता दो। हाँ, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर। हाँ ठीक है, और हाँ, अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, एक सेल के हैं। तो एक सेल की चीज, एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी धरती पर पाए जाते हैं। वो धरती पर कहाँ है? वो है पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पानी है, वाटर है ये, ठीक है, दिख नहीं रहा है, दिखा, ये वाटर है, ओके। इस पानी को यदि आपने, जैसे आपने पानी पिया, अगर इसको ढक के रखते हैं, हम कवर कर देते हैं किसी चीज़ से, ढक के रखते हैं इसको, देर तक इसको पानी को तुम रखो तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो, पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने इस पानी को ऐसे खुला रख दिया, देखने में तो पानी एकदम साफ ही है, और 3 घंटे तक 4 घंटे तक 6 घंटे तक ऐसे खुला हुआ ही है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है, और इसको मैं उठा उठा के पी लेती हूँ बार बार, ठीक है, 6 घंटे तक की क्लास चलती है और बार बार इस पानी को पी लेती हूँ। तो इस पानी के अंदर अब बहुत सारे जम्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे। अब तुम इसको ज़रा उठा करके माइक्रोस्कोप से देखो, इसमें बहुत सारे जम्स आ जाते हैं। वो सारे जम्स कहाँ से आते हैं? यहीं सब हैं, तो सब तुम्हारे आसपास हैं, सब तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जहाँ खुला देखा फिर इसी में वो आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, खाने को ढक के रखो, ठीक है, खुला रखता है, ढक के रखता है ना। किचन में खाना कैसे रखा जाता है? नहीं भी, मान लो कि खाना परोस भी देते हैं तो भी इतना तो पता ही है अपने घर के किचन में कि खाना कैसे रखते हैं, ढक के ही रखा जाता है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, जो एक सेल के बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। आपसे मैं कहूंगी कि बच्चों यूनिसेलुलर का मुझे एग्जांपल दो, तो आप मुझे क्या एग्जांपल देंगे? अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, बोलो। अमीबा, पैरामीसियम, अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, बोल के देखो। अमीबा, पैरामीसियम, पैरामीसियम, यूग्लिना, इनका नाम बहुत अलग है, ठीक है ना। आजकल तुम लोग भी अपना नाम ऐसा रख सकते हो, मिस्टर अमीबा, ठीक है, ऐसे नाम रख सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है ना, पैरामीसियम खड़े हो जाओ, ऐसा भी नाम रख सकते हैं हम लोग, अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, ठीक है। तो ये क्या है, किसके एग्जांपल हैं? यूनिसेलुलर के। मैं आपसे पूछूंगी मल्टीसेलुलर का एग्जांपल बताओ, लिखना नहीं है, माइंड के अंदर रखना है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल, मल्टीसेलुलर वो सब जो तुमको आंखों से दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मल्टीसेलुलर कहलाएंगे, ठीक है। पुष्पेंद्र दिखाई दे रहा है, यानी कि पुष्पेंद्र मल्टीसेलुलर है, ठीक है।
एक यहाँ से कोई भी कैट जाती है, डॉगी जाता है, वो आंखों से दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि वो मल्टी सेलुलर है। एक फिश है पानी में दिखाई देती है, यानी कि वो मल्टी सेलुलर है। दो सेल के तो ऐसा होते नहीं है, एक ही सेल का होता, एक या तो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे। अच्छा, कुछ कीड़े ऐसे तुमने कभी देखा है, तुम जैसे काम करो यहीं से कॉपी पर तुम्हारे कुछ इतने छोटे कीड़े आ जाते हैं कि वो दिखते नहीं है, मूव करते तो दिख जाता है, यहाँ पे कुछ था, है ना, इतना छोटा स्मॉल रहता है, वो भी तुमको आंखों से दिखाई दे रहा है ना, तो वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, चींटी तो दिखाई दे, कितनी बड़ी होती हैं चींटियाँ, उनसे मैं बहुत छोटे की बात कर रही हूँ, दिखता है कभी कभी अचानक दिख जाता है। हाँ ठीक है, तो ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का मैं आपसे एग्जांपल बस पूछूंगी तो आप बता दोगे। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल।